पहले उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की खबर लीक की गई, वो करवाया गया, फिर डिनाइल आए, फिर अनाउंस कर दिया। अभी आपने गौर किया कि ख्वाजा साद रफीक ने जब ये ऐलान करके वापस गए तो शबाशी साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा बस देखा है मैं कर देता है। तो अभी इसके ये चलता रहेगा, मगर मैं समझता हूँ यही डिलेमा है इनका, इनको फैसला करना है इलेक्शन से पहले, इनको फैसला कर लेना है कि उन्होंने लड़ना है नहीं लड़ना है, वजीर आजम कौन है। पांच दिन का ये देखा ना इन्फॉर्मेशन आ गई, इन्फॉर्मेशन ये पांच से हुई है, पांच अगले पांच दिन में आपको पता चल जाएगा। एक सेकेंड, आज क्या तारीख है? आज है 23 तारीख को केस है सुप्रीम कोर्ट में इसी के ऊपर, 19/5/23। लेकिन एक दिन में हेयरिंग हो जाएगी इसमें? नहीं, हेयरिंग का नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हेयरिंग का भी है, लेकिन उससे पहले पहले ये हतमी ऐलान या तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो बहुत से लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ पंछी उड़ जाएंगे, पंछी कुछ उड़ जाएंगे। अच्छा ये बताएं, ये जो एक गुफ्तगू और चल रही है कि अभी तक वो टेबल से नहीं उठा कि अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं नवाज शरीफ साहब तो बेगम कुलसूम को प्रेसिडेंट बना दिया जाए, क्या उसमें अभी तक जान है उस इशू में? बेगम साहबा जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के अंदर नॉन कंट्रोवर्शियल है, जिन लोगों का मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ इख्तलाफ है वो लोग भी बेगम कुलसूम नवाज के नाम पे राजी हो जाएंगे। बेगम कुलसूम नवाज की सेहत के तकाजे जो हैं, मैं पूछता हूँ, सिर्फ सेहत के तकाजे नहीं है, ठीक है, रबर स्टैंप के तौर पे यूज किया जाएगा कि सामने फेस उनका। लेकिन 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 मुझे एक बात राबड़ी देवी का मॉडल, ये बेगम कुलसूम नवाज के साथ जाती है कि आप कहें जिनको रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जाहिर है अगर उनकी सेहत नहीं है, फिर उनकी सेहत के तकाजे नहीं है, तो फिर उनको सिर्फ बात की है कि उनकी बड़ी इज्जत करते हैं लोग, उन पे इत्तेफाक, हम भी बड़ी इज्जत करते हैं, नहीं बिल्कुल काबिल एहतराम है, मेरा सवाल कुछ और है, लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। अगर बेगम कुलसूम को बनाते हैं तो इसका एक बड़ा क्लियर मैसेज आता है कि शहबाज शरीफ साहब पे एतबार नहीं है, और मियां साहब, बड़े मियां साहब ने फैसला कर लिया कि ये नहीं लीड करेंगे, तो पार्टी शहबाज चले, अगर ये होता है तो क्या फिर पार्टी में जोड़ तोड़ या स्प्लिट नहीं शुरू हो जाएगा? देखिए बेगम कुलसूम नवाज साहबा अगर नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर नहीं रहते और बेगम कुलसूम नवाज साहबा पार्टी की सदर बनती है, मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब उनके खिलाफ को बगावत करेंगे, उससे खानदान के अंदर इख्तलाफात कम होंगे, उनमें इजाफा नहीं होगा, लेकिन पार्टी को अगर आपने बचाना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक बाकायदा ऐलान कम अज कम प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज अगले पांच दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। चले ये ब्रेक अभी लेते हैं।